नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी इन हिंदी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सभी अभ्यर्थियों के मन में एक ही सवाल है कि पहले कौन सी पोस्ट प्रिफ्रेंस दे। दोस्तों, अधिकतर मेरे पास जो कमेंट आए हैं उसमें यही लिखा है कि सर पहले कौन सी पोस्ट प्रिफ्रेंस दे, पहले ALP को भरे या पहले टेक्नीशियन को भरे। तो दोस्तों, अगर आपने भी ऐसी गलती कर दी है तो फिर आपको पछताना न पड़े, अभी भी आपके पास मॉडिफाई करने का एक और मौका है। अपनी पोस्ट प्रिफ्रेंस को चेंज करने से पहले इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पहले कौन सी पोस्ट प्रिफ्रेंस भरे और क्यों भरे। और दोस्तों, साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि पोस्ट प्रिफ्रेंस या अपने फॉर्म को मॉडिफाई करने की जो लास्ट डेट है वो 6 अक्टूबर 2018 की रात्रि को 23:59 तक आप अपने फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि पहले कौन सी पोस्ट प्रिफ्रेंस देनी है और क्यों देनी है, ताकि आपके मन में जो भी डाउट चल रहे हैं वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि मैं आपको इसमें जो पहले पोस्ट प्रिफ्रेंस को प्राथमिकता देनी है उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा पास ही बने बेल आइकन बटन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये मेरा यूट्यूब चैनल एक हिंदी भाषी ऑनलाइन सामान्य जानकारी का एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर मैं आपको विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की जानकारी है, उसके फॉर्म भरने की प्रक्रिया, इंटरव्यू के अमेजिंग क्वेश्चन, विभिन्न एग्जाम के कटअप एवं उसके विश्लेषण एवं जीके क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, साइंस एंड मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में डेली अपडेट करता रहता हूँ। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था पास ही बेल आइकन बटन पर प्रेस नहीं करता उस पर भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे द्वारा बने वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे की तरफ आपको ऐसा ही रेड बटन दिख रहा होगा जिस पर आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा पास ही ऐसा ही बेल आइकन बटन दिख रहा है जिस पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, तथा बताता हूँ आपको पहले कौन सी पोस्ट प्रिफ्रेंस देनी है। अगर आपने ऐसी गलती कर दी है तो अपने फॉर्म को मॉडिफाई कर लीजिए। दोस्तों, जहाँ तक बात है 12th PCM वाले स्टूडेंट की, तो 12th PCM वाले स्टूडेंट के लिए तो ओनली टेक्निकल की जो भी पोस्ट हैं वो ओनली SNT की पोस्ट हैं, तो वो दोस्तों ALP के लिए अप्लाई तो कर नहीं सकते हैं। तो वो तो जो अपनी पोस्ट प्रिफ्रेंस देंगे वो सिर्फ SNT की पोस्टें देंगे, सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन की। अब रही बात डिप्लोमा ITI और BTEC वालों की, तो वो दोस्तों टेक्नीशियन के साथ साथ ALP की पोस्ट प्रिफ्रेंस देंगे। उनके मन में सबसे बड़ा यही सवाल उठ रहा है कि पहले ALP की पोस्ट भरे या टेक्नीशियन वाली पोस्टें पहले अप्लाई करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको विस्तार से पूरी डिटेल के साथ में बताता हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यू देखते रहिए, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों, जैसे मैं आपको बता दूं कि दो स्टूडेंट हैं, इस पहले वाले स्टूडेंट ने जो अपने फॉर्म में पोस्ट प्रिफ्रेंस भरी है वो भरी है पहले तो टेक्नीशियन वाली भर दी, और उसके बाद में ALP की। और जो दूसरे वाले स्टूडेंट है, इसने पहले ALP की पोस्ट भर दी, उसके बाद में टेक्नीशियन की पोस्टें भर दी। अब दोस्तों, दोनों का जो CBT 2 का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद में जो पहले कटअप, मतलब दो कटअप निकलती है, एक पहले निकलती है, दूसरा जो ALP का एग्ज़ाम होगा उसके बाद में निकलेगी। जो पहले जो SNI कटअप निकलती है उसमें जो दोस्तों जो कटअप निकली है वो रही है आपके 82 मार्क्स। और दोस्तों, जो पहला जो ये स्टूडेंट था इसके जो नंबर आए, मार्क्स आए, वो आए 88 कटअप में। और जो दूसरा स्टूडेंट है इसके जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 92 मार्क्स। तो दोस्तों, ये तो थे इनके मार्क्स की बात। अब दोस्तों, एक आपके मन में और भी डाउट होगा कि टेक्नीशियन के और ALP के लिए जो कितने परसेंट CBT 2 में काउंट होंगे, तो पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, जो बंदा टेक्नीशियन के लिए अप्लाई किया है उसका जो CBT 2 का जो फर्स्ट पेपर है उससे 100% मार्क्स काउंट होंगे, और जो बंदा ALP के लिए अप्लाई किया हुआ है उसके लिए CBT 2 का जो फर्स्ट पेपर है उसमें से 70% मार्क्स काउंट होंगे, तथा साथ ही साथ उसके बाद में जो साइको का एग्ज़ाम होगा उसमें से 30% मार्क्स काउंट होंगे, 100% करके उसकी मेरिट बनाई जाएगी। तो ये तो दोस्तों बात ही CBT 2 के फर्स्ट एग्ज़ाम की। और जो इस CBT 2 के फर्स्ट एग्ज़ाम जो सेकंड पार्ट है उसमें से 35% मार्क्स लाना कंपलसरी है,
35 मार्क्स लाना एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कंपलसरी है, यानी कि आपको 75 क्वेश्चन में से 27 क्वेश्चन तो राइट करने ही कंपलसरी है। अगर आप CBT 2 के फर्स्ट एग्ज़ाम में चाहे 92 लाए, 98 लाए, और आपके CBT 2 के सेकंड पार्ट में अगर आपके 25% ही राइट होते हैं तो आप CBT LLP टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइड नहीं है। तो चलिए बात करते हैं पहले कौन से पोस्ट प्रेफरेंस है उस पर। तो जो दोस्तों जो पहला स्टूडेंट था उसके मार्क्स आ रहे हैं आपके 88 मार्क्स आ रहे हैं, और दूसरा जो स्टूडेंट था उसके मार्क्स आ रहे हैं 92, और जो फर्स्ट कटअप रही है वो आपके रही है 82। तो दोस्तों इसने तो पहले अप्लाई किया था टेक्नीशियन का, उसके बाद में अप्लाई किया था ALP का। इसने पहले अप्लाई किया था ALP का, बाद में किया था टेक्नीशियन का। तो दोस्तों इसने तो टेक्नीशियन का पहले अप्लाई कर रखा है, और जो टेक्नीशियन की कटअप निकली 82 और इसके मार्क्स आए 88, तो दोस्तों इसको ALP के लिए नहीं बुलाया जाएगा, ALP के साइको के लिए इसका कॉल लेटर नहीं निकाला जाएगा, एडमिट कार्ड नहीं निकाला जाएगा। इसको सीधे बोल दिया जाएगा यार आप टेक्नीशियन में सिलेक्टेड हो तो आप टेक्नीशियन के लिए ज्वाइन के लिए आ जाओ। रही बात इसके दोस्तों सेकेंड वाले स्टूडेंट, इसके मार्क्स आ रहे हैं 92, ये टेक्नीशियन के लिए क्वालिफाइड है, लेकिन इसने पहले ALP की पोस्ट भरी है, तो इसको टेक्नीशियन के लिए नहीं बुलाया जाएगा, इसको साइको के एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों अगर इसके 92 भी मार्क्स है फिर भी ये साइको के लिए एग्ज़ाम देने के लिए आएगा। अगर दोस्तों कंडीशन ये रही, ये जो सेकंड वाला स्टूडेंट है जिसके 92 मार्क्स आ रहे हैं, अगर ये बंदा साइको के अंदर फेल कर जाता है तो फिर इसको टेक्नीशियन के लिए बुलाया जाएगा। अगर ये साइको के अंदर फेल कर जाता है तो, अगर ये साइको के अंदर पास कर जाता है तो इसको लोको पायलट के लिए ही बुलाया जाएगा, टेक्नीशियन के लिए नहीं बुलाया जाएगा। अब दोस्तों आपके मन में एक और डाउट आ रहा होगा कि ये जो STI कटअप निकली है 82, अगर किसी बंदे के आ रही है 82.50 तो उसको टेक्नीशियन के लिए बुलाया जाएगा या ALP के लिए। तो दोस्तों अगर उसने टेक्नीशियन के लिए पहले अप्लाई किया है और ALP के लिए बाद में अप्लाई किया है, और उसके जो टेक्नीशियन की STI कटअप निकली 82, उसके मार्क्स आ रहे 82.50, तो दोस्तों उसको ALP के साइको के लिए ही बुलाया जाएगा, क्योंकि जब दूसरी बार कटअप निकलती है, जैसे कि वो बंदा था जिसने पहले ALP भरा था बाद में टेक्नीशियन भरा था, और अगर वो ALP का एग्ज़ाम फेल कर जाता है तो उसको टेक्नीशियन ही बुलाया जाएगा, टेक्नीशियन में वो पोस्टें फिर से खाएगा। तो दोस्तों वो टेक्नीशियन की पोस्ट है तो फिर से लेगा, तो इधर टेक्नीशियन कटअप फिर से बढ़ने के चांस है जो सेकंड बार कटअप निकलेगी। तो सेकंड कटअप में जब कटअप हाई होगी तो 82 का 83 होने का चांस है, तो रेलवे पहले जानता है कि कटअप फिर से बढ़ने वाली है, तो वो जो बंदे पहले टेक्नीशियन में सिलेक्टेड है जिनके थोड़े ऊंचे ऊपर नीचे मार्क्स है तो उनको साइको के लिए भी बुलाया जाता है ALP का, ताकि अगर कटअप बढ़ जाए तो वो साइको अगर क्लियर कर लेता है तो उसको ALP के लिए ही बुलाया जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपने मेरे द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट रहता है तो नीचे जो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपके हर जवाब का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूले। और दोस्तों जाने से पहले अगर आपने आपके मन में RRB से लेकर कोई भी डाउट है कि कौन सा RRB चुने, तो अभी वीडियो ख़त्म होने से पहले यहाँ पर आपके सामने एक नया वीडियो ओपन हो जाएगा, तो उस पर क्लिक करके पहले आप चूज कर लीजिए, देख लेना कि कौन से RRB चूज करनी है। जिनके 30 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो उनके लिए जो कौन सी बेस्ट RRB रहेगी, वो पूरे आपके मन के डाउट जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे उसी वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे कि आपको कौन सी RRB चूज करनी है। तो वीडियो से पहले स्किप करने से पहले या इसको जाने से पहले एक बार मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, तथा उसके बाद में जो ये वीडियो आपके सामने आ रहा है उसको एक बार ज़रूर देखना, ताकि आपके मन में डाउट हो कि कौन सा RRB ले या फिर कौन सा RRB चुने, मेरे 30 से कम मार्क्स आ रहे तो कौन से जोन में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कौन सा जोन मेरे लिए बेटर रहेगा। आपके जितने भी मन में डाउट है वो सारे डाउट उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो संबंधित आपके मन में कोई भी डाउट है तो पहले नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कर देना, ताकि आपके मन में जो भी डाउट है वो मैं क्लियर कर दूँ।
आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो जाते जाते एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहे और मस्त रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।